राजस्थान, जहां पर सबसे ज्यादा जातिगत समीकरण मायने रखता है, आज मैं आपको पूर्वी राजस्थान का चुनावी मूड बताऊंगी। वो इलाका पूर्वी राजस्थान जहां पर गुर्जर और मीणा निर्णायक भूमिका में होते हैं, क्या मीणाओं के दिल में अभी भी कांग्रेस रचती बसती है? गुर्जर किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस क्या इस जातीय समीकरण को साध कर सत्ता पर काबिज हो पाएगी? आखिर इन जातिगत समीकरण को साधने में कौन कामयाब होगा और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगा? क्या कहता है पूरे राजस्थान का चुनावी माहौल? अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहता है सवाई माधोपुर का जाति फैक्टर? कांग्रेस रहेगी बरकरार या कमल खिलेगा आपकी बार? गहलोत जी, खबरदार, आपके जाने की बारी आ गई है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस का चलेगा दांव या उखड़ेंगे पांव? मीणा वोटर्स आज किसके साथ? गुर्जर वोटर्स का कौन हुआ खास? आजकल की दुनिया सब समृद्धि है। मीणा का तो दिमाग तो मेरा भी कांग्रेस ही था, इनका भी कांग्रेस ही था, लेकिन इस कैंडिडेट को देख के न दे। ये शहर है सवाई माधोपुर, राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट जहां जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है। राजस्थान की राजनीति में जातियों का गणित अहम है। यही वजह है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन यहाँ की परंपरा बन गई। पूरे राजस्थान की कहानी को अगर समझना है तो सवाई माधोपुर के जातिगत समीकरण को जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान की 150 से ज्यादा सीटों के सियासी समीकरण को अगर साधना है तो सवाई माधोपुर विधानसभा सीट के समीकरण को समझना और उसका आकलन करना बेहद जरूरी है। मैं इस वक्त सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पे मौजूद हूँ। सवाई माधोपुर के शहर के बीचों बीच मौजूद हूँ। यहाँ गुर्जर और मीणा, ये दो ऐसी जातियां हैं जिनका वर्चस्व है और यही माना जाता है कि एक तरफ ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में 120 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर मीणा और गुर्जर दोनों ही प्रभुत्व रखते हैं और कहा जाता है कि सवाई माधोपुर में ही लगभग दिशा तय हो जाती है कि मीणा और गुर्जर किस तरफ अपना रुख रखेंगे। सवाई माधोपुर से ही बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और कैंपेन भी कांग्रेस की जो जबरदस्त शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले सवाई माधोपुर से ही हुई थी। ऐसा क्यों माना जाता है कि सवाई माधोपुर से ही तय होता है कि गुर्जर और मीणा का समर्थन किस पार्टी को मिलने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर गुर्जर और मीणा वोटर्स की बड़ी भूमिका है। कैसे ये वोट फैक्टर चुनावी हार जीत का खेल बनाता और बिगाड़ता रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सवाई माधोपुर का सियासी अंकगणित समझिए। ये मीणा और गुर्जर बाहुल्य इलाका है। यहाँ चुनावों में मुख्य रूप से मुस्लिम, मीणा और गुर्जर वोटों का प्रभाव है। ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा SC, ब्राह्मण, बनिया, माली और राजपूत समाज भी राजनीति में दखल रखता है। यही जातियां तय करती हैं कि किस पार्टी को सत्ता की दौड़ में जीत दिलवानी है। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चारों पर कांग्रेस काबिज है। 2 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है जबकि 1 विधानसभा सीट SC और 1 ST के लिए रिजर्व है। कांग्रेस से दानिश अब्रार यहां से मौजूदा विधायक हैं, जबकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से BJP के सुखबीर सिंह जौनापुरिया सांसद हैं। राज्य के बड़े मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहीं से आते हैं। मीणा वोटर्स के रुख पर इस बार सस्पेंस दिख रहा है। अब तक मीणा वोटर्स ने अपने पत्ते नहीं खोले, इंतजार कर रहे हैं कि पार्टियां अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करें। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इस बार कांग्रेस को लेकर मीणा समाज का मन खट्टा हो चला है? क्या BJP कोई बड़ा ट्विस्ट ले आई है? चलिए अब आपको बताते हैं कि मीणा समाज के दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। गुर्जर मीणा के बीच में कभी पैक्ट हुआ नहीं है, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक मीणा गुर्जर के लिए सपोर्ट मांग रहा है। केवल एक सीट, इसके मतलब दानिश के खिलाफ, बाकी दूसरी जगह मीणा है ना, जो कहाँ जाहिर कहाँ नहीं जाहिर, वो तो मीणा का तो दिमाग तो मेरा भी कांग्रेस ही था, इनका भी कांग्रेस ही था, लेकिन इस कैंडिडेट को देख के नहीं दे। 3,000-3,000 रुपये तो मतलब उसमें लेता है ट्रांसफर, 3,000,000, सॉरी 3,000,000। इसको वोट देंगे मोदी जी या गहलोत? नहीं नहीं, हम तो मोदी जी को ही देंगे, BJP में देंगे, और दोनों ही आएंगे हमारे तो पक्का है।
चाहो तो गहलोत जी कह रहे हैं हमने तो फ्री मोबाइल दे दिया सबको, दे दिया उसका क्या बाहर दे मोबाइल ले जाओ उनके मोबाइल से क्या, किसको दिया मोबाइल, अभी हमारे पास तो आया नहीं है मोबाइल माधोपुर में, तो किसी को नहीं दिया। इस बार मीणा किसको पसंद कर रहे हैं, मोदी या गहलोत? कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा काम करने वाला। अब ये अभी क्लियर नहीं है, टिकट क्लियर होने पे ही तो बता सकते हैं कौन अच्छा है। क्या वोट देने का, बीजेपी को या कांग्रेस? ये कोई बात नहीं है, मताधिकार है मेरा, मैं इसको कैसे बता सकता हूँ आपको किसको क्या करना है। ना आप मुझे क्लियर कट बताइए, मीणा के मन में क्या चल रहा है? मीणा के मन में तो वही कांग्रेस पार्टी का सुझाव है और कांग्रेस को ही देंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो जाओ। आपके तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से हैं, वो तो राज्यसभा सांसद। आजकल की दुनिया सब संपत्ति है। क्या माहौल आप? माहौल तो क्या, अभी तो तस्वीर क्लियर नहीं है ना, देखो टिकट ओपन नहीं हुई अभी तक, तो टिकट ओपन हुए ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, मोदी जी का जादू है या गहलोत जी का काम है वो बोलेगा सर चढ़ के? कोई काम नहीं बोलेगा, जातिवाद बोलेगा यहाँ तो। यहाँ तो अगर मान लीजिए इस बार मुस्लिम कांग्रेस से मिला है, फिर अगर कांग्रेस से रिपीट हुआ तब? वो तो जाति का हिसाब अलग अलग, आपको क्या लगता है? लगता है कि तस्वीर साफ नहीं है ना, देखो कैंडिडेट कौन आता है, पलड़ा किसका भारी होगा कैंडिडेट के साथ, पलड़ा तो क्या बताएं सर, अभी तो बिना टिकट तो क्या बताएं। देखो सवाई माधोपुर सीट पर सबसे अधिक आबादी मीणा वोटरों की है, और जो बातचीत हुई उससे तो ये साफ हो गया है कि मीणा समाज चुनावी तस्वीर साफ करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन बाकी जनता इस बार क्या सोच रही है, क्या है बाकी जातियों का मूड, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप राजस्थान का जातिगत समीकरण समझिए। 100 सीटों पर 4 जातियों का असर है, जिसमें जाट, राजपूत, मीणा और गुजर हैं। राजस्थान में 4 जाति 30% वोटर्स हैं। राजपूत और जाट में आपसी विरोध है, मीणा गुजर में आपसी टकराव है। पूर्वी राजस्थान में 50% मीणा वोटर्स हैं। मीणा वोटर कांग्रेस समर्थक हैं, गुजर वोटर कांग्रेस से नाराज हैं। जाट और मीणा का समर्थन अगर मिलता है तो बीजेपी ट्विस्ट लाएगी। यार क्या मन में है गुजरों के? बीजेपी को जाएगा वोट। वजह क्या, वैसे अगर आशा को टिकट मिलता है 100% बीजेपी में जाएगा, क्योंकि ईमानदार लेडीज है और पहले प्रधान रही है। असर यह है गुजर तो बीजेपी को जाएंगे। कितने गुजर हैं? 24-25 हज़ार गुजर होंगे। गहलोत जी ने जो योजनाएं की हैं वो गुजरों उससे खुश नहीं है क्या? नहीं, योजनाओं के लिए तो ठीक है, योजना तो ठीक है उनके घर, लेकिन नाराज किस लिए है, पायलट की वजह से? हाँ ये सब मान लो, पायलट मान लो, वैसे बीजेपी को ही चाहते हैं हम तो। वैसे जाते गुजर किस तरफ है? बीजेपी, हाँ बीजेपी सर, बीजेपी माइंड ही है। क्या है वजह? तो एक तो कैंडिडेट रहेगा सर, दानिश को पसंद नहीं करते हैं, अब की बार आशा को देंगे। सुनने में आ रहा है कि जो गुजर एक साथ इकट्ठा होकर बीजेपी को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पायलट सीएम नहीं बन पाए, अशोक गहलोत से उनका विवाद है। नहीं सर, और जगह की तो मैं कह नहीं सकता, माधोपुर की कह सकता हूँ मैं तो। इस बार क्या लग रहा है, मोदी बेहतर या गहलोत? मोदी। वजह? क्या वजह? उसकी बढ़िया काम करता है, योजनाएं सही है, लड़ाई झगड़े पे अंकुश लगाता है, भ्रष्टाचार का नाम अंकुश लगाता है, बेरोजगारी पे अंकुश लगाने का वो करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।